जी हाँ बिल्कुल, पानी तो बहुत ज़रूरी है और यही टाइम होता है जब आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं एक्चुअली। सो आप कितना पानी पीना चाहिए कोई ये फिक्स नहीं है, लेकिन आप लगभग 1 लीटर पानी ज़रूर रखें, और वो पानी इकट्ठा नहीं पीना। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू हैव टू ड्रिंक द वाटर लाइक प्रॉब्ली यू कैन सिप इट थ्रू द वर्कआउट स्लोली, और आप सिप सिप करते पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स सारे दिन में कंज्यूम किए हैं प्री वर्कआउट में, आपने कुछ खाया होगा 1 घंटा 1.5 घंटे पहले, वो बॉडी पानी पीने से वो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है पानी पुश करता है, और वो आपके वो जो अगर आपने प्रोटीन कंज्यूम किया है, फॉर एग्जांपल एग्स लिए हैं या चिकन लिया है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो वो पानी उस अमीनो एसिड को पुश करता है, और ड्यूरिंग वर्कआउट वो आपके मसल को वो अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है जिससे आपके मसल ब्रेक नहीं होते, जो बहुत ज़रूरी है। सो पानी आपको ज़रूरी है, कितना पीना है यू कैन ड्रिंक 1 लीटर वाटर, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप 1.5-2 लीटर तक जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 लीटर पानी ज़रूरी है और आप ज़रूर पिए। अगर आप एब्स ट्रेन कर रहे हैं एक्सरसाइज के बाद तब आप पानी थोड़ा कम कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट वाटर इन योर स्टमक जब आप एब्स स्क्वीज करें, तो आप अच्छी तरह एयर एयर पूरी बाहर आनी चाहिए आपकी बॉडी से, स्टमक के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। सो आप पानी ज़रूर पिए, एब्स के दौरान आप पानी कम कर सकते हैं, और क्विक 10-15 मिनट की एक्सरसाइज लगाकर गो होम एंड हैव योर पोस्ट वर्कआउट शेक।